वीडियो को बेहतरीन क्वालिटी में देखने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और देखें क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने क्या करना है, जस्ट एडिशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एडिशन आपको करना आती है बस। अब जरा फर्क इतना आ गया है कि लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व करनी है और राइट भी सोल्व करनी है और आंसर क्या है सेम आने चाहिए। अगर आपकी प्लस और माइनस की गलती नहीं होती तो तब आपकी जो दोनों बोथ साइड जो है वो आपकी बिल्कुल सही आ जाएंगी। अगर आप प्लस माइनस में मिस्टेक कर देते हो तो फिर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि जो है ना प्लस माइनस करते हुए आपकी मिस्टेक्स ना हो। पहले तीन सवाल हैं, तीनों में से मैं कोई एक करता हूँ और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी बहुत आसान है, उनमें से भी मैं कोई एक समझा दूंगा, ठीक है। बाकी जो है वो आपने खुद करना है, उसी उन्हीं से रिलेटेड है। तो देखते हैं, पहले मैं कुछ पहले तीन पार्ट में से जो है मैं थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद करना है। देखें बी प्लस सी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सोल्यूशन करता हूँ। इसके पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना आंसर सेम आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, देखें बी प्लस सी, पहले आपके पास बी है तो बी वाला मैट्रिक्स लिख लें, 1 - 1, 1 - 2, -2, 2 - 3, 1 और 3, ठीक है। अब देखें दिमाग में प्लस है तो प्लस लगा दें और फिर सी है तो सी वाला मैट्रिक्स लिख दें, -1, 0, 0, 0, -2, 3, 1, 1, 2, ठीक है। तो अब देखें, अब आपको ऐड तो करना आता ही है, क्या करना है, पहली को पहली में ऐड कर दें, देखें 1 + -1, ठीक है। अब देखें दूसरी वाली दूसरी में -1 + 0, यहाँ से भी है प्लस प्लस प्लस, अब देखें 1 + +++0, ठीक है। देखें 2 + +++0, देखें -2 + -2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया ++++, 3 to the 6, ओ सॉरी ऐड करना है, ये 2 आ गया ++++ और ये 3 लिखेंगे। अब देखें ये 3 आ गया और यहाँ से ये थर्ड वाली ये वाली वैल्यू ++++1, अब यहाँ 1 तो ++++1, ठीक है। अब ये देखें ये 3 मैं लिखता हूँ और ये ++++ और ये 2, ठीक है। बेशक 3 by 3 का मैट्रिक्स है, कोई मुश्किल नहीं है, बस अगर आपको एडिशन समझ आ गई है तो। लेकिन ये 3 by 3, ये भी 3 by 3 हम ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, अब आपने प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करनी, 1 - 1 क्या 0, -1, 1, 2 - 4 हो जाएंगे। और ये देखें यहाँ सब मिस्टेक्स कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस और ये 4 हो जाएगा और यहाँ 3 और 2 - 5 हो जाएगा, 3 और 4 - 2 और 3 और 2 - 5, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया बी प्लस सी का ही। अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो देखते हैं उसका आंसर क्या आता है, ठीक है। अगर सेम आ जाएगा तो आपने कहना है ये इक्वल है, अदरवाइज आपने कहीं मिस्टेक्स की है वो आपने खुद आपने जो है ना वो ढूंढनी है कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। तो सी प्लस बी मैं करता हूँ, देखें सी वाला सी की वैल्यू पहले तो सी वाला मैट्रिक्स लिखता हूँ, 1, 0, 0, फिर 0, -2, 3, 1, 1, 2, ठीक है। अब मैं प्लस करता हूँ और बी वाला मैट्रिक्स लिखता हूँ, बी वाली वैल्यूज कौन सी है मेरे पास, 1 - 1, 1, 2 - 2, 2, 3, 1 और 3, ठीक है। तो अब मैं देखें इन्हें ऐड कर देता हूँ, सी प्लस बी इज इक्वल टू, देखें -1 और +1, -1 + 1, 0 + - ये प्लस और ये माइनस, +1, -1, 0 + +++1, ठीक है। अब देखें 0 + 2 - 2 - +-2, 3 + +++2, ठीक है। अब देखें 1 + 3, 1 + 1, थर्ड रो है इधर, इसकी भी थर्ड रो, सेकंड नंबर। अब देखें थर्ड रो है, इसकी भी थर्ड रो और फोर्थ नंबर थर्ड वाला नंबर है तो ये 3, ठीक है। अब सी प्लस बी देखें, 1 - 1, 0 - 1, 1, 2 - 4, 5, 4, 2 और 3 - 5, ठीक है। देखिए मैच हो रहा है, 0 - 1, 1, 2 - 4, 5, 2, 4, 2, 5, तो बिल्कुल मैच हो रहा है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो अगर एक भी वैल्यू जो है ना वो चेंज हुई तो बराबर नहीं होगा, फिर आपने चेक करना है कि यहाँ आंसर चेंज है तो आपने चेक करना है कि यहाँ मैंने कहा क्या मिस्टेक की है, ठीक है। इसी तरह इसका एक क्वेश्चन और मैं समझा देता हूँ, बाकी जो है वो आपने खुद करने हैं और बहुत आसान है। आपने सेट चेक कर लेना कि आपको क्या चाहिए, बी प्लस सी है तो बी प्लस सी, अगर यहाँ कुछ और होता तो वो क्वेश्चन चेक करते हैं, देखते हैं क्या करना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो लास्ट वाला पार्ट मैं करता हूँ। तो देखें बाकी जो है ना 3 से आगे जितने भी पार्ट हैं वो 3-3 वैल्यूज़ हैं और बहुत आसान है। उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने सबसे पहले हमेशा वो वाली वैल्यू सोल्व करनी है जो ब्रैकेट्स में है, ठीक है। तो उन मैट्रिक्स को सोल्व करना है, जो आंसर आएगा उसे आपने फिर थर्ड वाले के साथ अटैच कर देना है और फिर उसे प्लस माइनस करना है।
तो अब यहाँ देखें लास्ट वाला जरा थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा था मुझे, तो मैं ये करता हूँ, बाकी जो है वो बहुत आसान है, वो आपने खुद ट्राई करने इंशाल्लाह हो जाएंगे, जस्ट प्लस माइनस करना है। तो अब देखें मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 2a + 2b, ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो 2a चाहिए और 2b चाहिए, फिर दोनों का जो आंसर आएगा मैं उन्हें प्लस कर दूंगा, प्लस है तो प्लस करूंगा, माइनस है तो माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए मैं 2a मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ, 2a चाहिए, मैं 2 लिखता हूँ और a, तो ये 2 एज इट इज़, और a वाला मैट्रिक्स कौन सा, 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, ठीक है। अब देखें मुझे 2a चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 -2 1 2 2 0 0, ठीक है। तो ये 2a आ गया मेरे पास। अब जो है मुझे क्या चाहिए, 2b चाहिए। अब साथ साथ भी कर सकते हो और ऐसे अलग अलग फाइंड कर लो तब भी ठीक है, ठीक है। तो देखें 2b है मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 2b मुझे चाहिए, तो 2 की 2 वैल्यू लिखी, ये 2 लिख लिया, और अब b वाला मैट्रिक्स लिख लें, देखें 1 -1 1 2 -2 और 2 3 1 और 3, ठीक है। अब देखें 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 2 -2 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 हो गया, 2 3 6 2 1 2 2 3 6, तो ये आपके पास 2b भी आ गया। अब आपने क्या करना है, 2a और 2b को प्लस करना है, तो अब आप इन्हें प्लस कर दें, तो देखिए आंसर सेम आता है, मैं इसे यहाँ कर देता हूँ 2a + 2b, 2a वाला आंसर क्या था हमारे पास, ये है 2 4 6 4 6 2 2 -2 0, ठीक है, और प्लस 2b वाला आंसर, 2b वाली जो वैल्यूज है वो ये है 2 -2 2 -2 2 आ जाएगा, 4 -4 फिर 4 6 2 और 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 6 है। तो अब हम इसे ऐड करते हैं, देखें हमारे पास ये रिजल्ट सेम होता है, यानी कि 2a + 2b क्या क्या बनता है। देखिए मैं सर डायरेक्ट कर चला जाता हूँ, तो स्टेप नहीं बढ़ा, देखें यहाँ 2 है, यहाँ +++2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखें यहाँ 4 है, +-, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखें +++, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, 6 + 2 8, यहाँ देखें +4 4+ यहाँ 4 4 4 8 हो जाएगा, प्लस करना है, +-, -, -4 और +6 + 2 + 2 और + 4 6 + 2 और + 6 8, -2 और + 2 0 0 और + 6 तो 0 6 आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ तक देखें ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम जो है ना इसी तरह राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड देखें, मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, राइट हैंड साइड है मेरे पास 2 a + b, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ब्रैकेट में वैल्यू है मैं उसे सॉल्व करता हूँ, देखिए मैं a + b पहले सॉल्व कर लेता हूँ, तो a + b, a वाला मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ठीक है। अब इसी तरह प्लस, और b वाला मैट्रिक्स देखा है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3, ठीक है। अब आप इसे प्लस कर देते हैं, प्लस करने से जो है ना फिर हम जो आंसर आएगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे आंसर सेम हो रहा है। देखें a + b जो है, मैं इसे क्या कर देता हूँ, देखिए 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, एक स्टेप 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखें ये 2 और यहाँ ++-, -1 और +2 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें +++3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह देखें +2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, +-2 और +3 1 आ जाएगा, और +2 और 1 3। अब देखें 1 + 3 4, -1 और +1 0 0 + 3 3, तो ये आपके पास a + b आया। लेकिन आपको क्या चाहिए, a + b के साथ 2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, वो मैं यहाँ करवा देता हूँ, देखें इस स्टेप के बाद मैं यहाँ आता हूँ, देखें 2 a + b, ठीक है, ये 2 मैंने लिखा, और a + b वाली जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास ये है 2 1 4 4 1 3 4 0 3, ठीक है। अब देखें ये 2 a + b मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 4 2 8 4 2 8 2 1 2 2 3 6, देखिए बारी बारी 2 4 8 2 0 0 2 3 6,
ये टू जो है ना इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी, फिर फोर टू इससे, इससे, ऐसे बारी बारी जो है ना हर वैल्यू से अंदर जितनी भी एंट्री थे सबसे मल्टीप्लाई करवाया और देखते हैं फोर टू एट, एट टू सिक्स, एट जीरो सिक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह बाकी क्वेश्चन जो है वो आपने खुद करने हैं और बहुत आसान है, कोशिश कर लें जो ब्रैकेट्स में है पहले उन्हें सोल्व करें, बाद में दूसरी वैल्यूज के साथ अटैच कर दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो है ना देखें, आपके पास ए भी दिया हुआ, बी भी दिया हुआ, तो आपने फाइंड करना है थ्री ए माइनस टू बी, एंड पार्ट टू जो है उसमें आपने टू को मल्टीप्लाई करना है ए के ट्रांसपोज से, फिर माइनस करना है थ्री को मल्टीप्लाई करवा के ए के बी के ट्रांसपोज से। तो देखें इसका फर्स्ट पार्ट तो आप खुद करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ए को आपने, ए मैट्रिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करना है, बी वाले को आपने टू से करना है, जो रिजल्ट आएगा आपने माइनस करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ और ये क्वेश्चन आप कर भी लेंगे क्योंकि आपने पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो इससे रिलेटेड ही है, वो भी जरा है तो आसान ही, लेकिन उसमें जस्ट ट्रांसपोज लेना। देखिए जरा उसका सेकंड पार्ट मैं करवा देता हूँ, टू ए के ऊपर ट्रांसपोज माइनस थ्री बी के ऊपर ट्रांसपोज। देखें बहुत आसान है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रांसपोज ए, ए, ए वाला मैट्रिक्स लिख लें, ए वाला मैट्रिक्स है वन टू थ्री फोर। अब आपने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में, ये रो थी मैं इसे कॉलम में चेंज कर देता हूँ इस तरह, ये देखें ये इस तरह रो है, इस तरह कॉलम में चेंज हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई करना है, ये देखें टू से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, लिख नहीं रहा, टू वन द टू, थ्री टू द सिक्स, टू टू द फोर, फोर टू द एट, ठीक है यहाँ तक। अब इसी तरह देखें मैं ये चले इसी तरह बी वाली वैल्यू लिख लेते हैं, चलो यहाँ कर लेता हूँ एक ही बात, तो बी की वैल्यू लिख लेता हूँ, बी वाली क्या है जीरो सेवन माइनस थ्री और एट, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर रहे हैं, बी का ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज क्या था, ये रो थी, इस तरह रो है मैं इसे कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, ये देखें ये रो थी माइनस थ्री को मैं ये कॉलम में चेंज कर दिया। अब आपको क्या कह रहे हैं, थ्री से मल्टीप्लाई करें, तो थ्री से ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ अंदर शो करवा रहा हूँ, थ्री जीरो जीरो माइनस थ्री जीरो नाइन, थ्री सेवन ट्वेंटी वन, एट थ्री जीरो ट्वेंटी फोर, ठीक है। अब हमने असल काम क्या करना है, इन्हें माइनस करना है दोनों के रिजल्ट को, तो देखें नौ, अब हम क्या करते हैं, टू ए ट्रांसपोज माइनस थ्री बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखें मैं अब वैल्यूज लिख लेता हूँ, पहले इसकी वैल्यू क्या है, पहले पहले ये थी टू सिक्स फोर एट, अब माइनस है बीच में तो माइनस लगा दें, देखें ये है तो जीरो माइनस नाइन ट्वेंटी वन और ट्वेंटी फोर, ठीक है। अब माइनस कर दें, देखें टू माइनस जीरो, तो बजाय आपने लिखने के कर दें, ठीक है, टू माइनस जीरो क्या होता है तो टू ही आएगा। अब देखिए सिक्स माइनस माइनस प्लस, प्लस का नाइन और प्लस के सिक्स, नाइन प्लस सिक्स से फिफ्टीन, देखिए फोर माइनस ट्वेंटी वन, तो फोर प्लस ट्वेंटी वन जो है वो माइनस कर दें, कितने आ जाएगा आपके पास, सेवनटीन हो जाएगा, ठीक है। और माइनस प्लस देखिए माइनस आठ में से चौबीस को जो माइनस कर देगा आपके पास क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा, ठीक है। तो बड़ी जगह माइनस है तो माइनस, ठीक है। चलिए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर जो है वो सेवन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन में देखें आपने क्या करना है, आपके पास ये लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यूज है, राइट साइड पे ये वैल्यूज है, ठीक है। और आपने फाइंड क्या करना है, ए और बी फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखें अगर मैट्रिक्स से पहले जो है वो टू है, देखें टू को अंदर मल्टीप्लाई करें, थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करें, देखें टू टू द फोर, फोर टू द एट, थ्री टू द सिक्स, टू को ए से मल्टीप्लाई करेंगे टू ए, ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। अब देखिए प्लस थ्री वन था थ्री, थ्री को बी से मल्टीप्लाई किया, थ्री बी एट, थ्री ट्वेंटी फोर, माइनस फोर थ्री था ट्वेल्व, ठीक है, इज इक्वल टू में वैल्यू ऐसे थ्री लिख लें, सेवन टेन एटीन और वन। अब देखेंगे प्लस से बीच में तो प्लस कर दें, फोर प्लस थ्री क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, एट प्लस थ्री भी नहीं पता हमें क्या होगा तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखें माइनस सिक्स और प्लस ट्वेंटी फोर तो ये कितने बच जाएंगे, आपके पास ये हो जाएंगे जी 18 बच जाएगा, लेकिन बड़ी जगह में सब प्लस है तो प्लस, ठीक है 18 आ गया। अब देखिए 2a प्लस माइनस माइनस 4 टू द 2a हो गया प्लस माइनस माइनस 12, 12 को हम माइनस तो नहीं कर सकते a में से, तो हमें नहीं पता a क्या है वैल्यू है, तो हम एज इट इज लिख देते हैं, इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। तो अब देखें ये हम इक्वल के इस साइड पे भी मैट्रिक्स से एक और इधर भी, तो इक्वल का मतलब है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर, बी ये इसके और ये इसके, तो हम क्या करते हैं, हमें ए और बी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बी है और यहाँ ए है, तो मैं इस सेकंड को सेकंड के बराबर रख रहा हूँ, देखें ए ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू सेवन, और मुझे ए भी चाहिए तो मैं
इस लास्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के बराबर रख देता हूँ यहाँ वाले। अब यहाँ से ए और बी निकाल दें, देखें प्लस का एट इधर आकर माइनस का, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड, तो ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, और ये देखें 13 हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप पॉइंट में लिखना चाहें पॉइंट में लिख दें, नहीं तो आप हैंस वाले फॉर्म में लिख दें। किस तरह देखें, 13 को 2 6 12 1, यानी कि 6 हैंस 1/2, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसी फॉर्म में लिख दें तो ये भी बेस्ट है, ये आंसर भी ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गए, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी वो आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है, ट्रांसपोज वाला है, प्लस करना है उसके बाद ट्रांसपोज देना है, दोनों साइड बराबर आएंगे वो आप इजीली कर लेंगे। अब मैं उसका जो है ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वो मैं करूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख लिया, उसका थर्ड और फोर्थ पार्ट मैं करूँगा, इसके बाद फिफ्थ और सिक्स पार्ट वो आपने खुद करना है। बस फर्क इतना है कि यहाँ ए है वहाँ बी आ जाएगा, यहाँ मैं ए की वैल्यूज यूज करूँगा, वहाँ क्या करेंगे आप बी की वैल्यूज यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये थर्ड और फोर्थ समझ आ जाते हैं तो आपके लिए फिफ्थ और सिक्स पार्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ बी है तो बी वाली वैल्यूज यूज करेंगे, मैं ए वाली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी जो है इसके फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिए कि वो ट्रांसपोज लेने हैं, वो आप इजीली आप कर लोगे। ठीक है, प्लस माइनस ही करना है और लेफ्ट को राइट के बराबर प्रूफ करना है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले जो है आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक जो है उसकी डेफिनेशन क्या थी। सिमेट्रिक की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के, ऐसे ही। और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, ए का ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए। क्या समझ आ रहा है हमें कि उसमें कहा था ए सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो मीन्स कि ए का ट्रांसपोज बराबर है किसके, ए के। अब मैं यहां बात कर रहा हूं कि ये पूरी वैल्यू जो है वो सिमेट्रिक है, तो इसका क्या मतलब हुआ डेफिनेशन के मुताबिक कि ये जो पूरी वैल्यू है ना, इस पूरी वैल्यू का ट्रांसपोज बराबर है इसी पूरी वैल्यू के। इसी तरह जब स्क्यू सिमेट्रिक की बात है तो ये पूरी वैल्यू स्क्यू है, तो देखें यहां मैंने ए स्क्यू कहा था, तो ए स्क्यू था मतलब ए का ट्रांसपोज बराबर है उसी वैल्यू ए के बराबर और माइनस कॉमन। तो इसमें आप देखें डेफिनेशन लगाएंगे, सबसे पहले डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास वैल्यू इस तरह बनेगी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो यानी कि ये वैल्यू ये सिमेट्रिक है ना, इसका ट्रांसपोज बराबर है इसी के। देखें वैल्यू के डेफिनेशन के मुताबिक ये आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो इसी का ट्रांसपोज बराबर है दोबारा इसी वैल्यू के। देखें वहां हमने बात की थी ए इज सिमेट्रिक, तो मैंने क्या लिखा था, ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के। अब स्क्यू की बात है तो जस्ट माइनस लगाना है, बाकी सेम है सारा। अब जो है ना आपने इधर से लेफ्ट और राइट साइड जो है आप इसे लेफ्ट रख लें, इसे राइट रख लें, मतलब चेंजिंग कर लें। उसके बाद आपने देखना है कि आंसर अगर बराबर आ गया तो आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा अगर आंसर सेम नहीं आया तो। ठीक है, और इसी तरह अगर यहाँ बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए मैं स्क्यू पे आता हूँ उसकी डेफिनेशन के मुताबिक, यानी कि ये वैल्यू इस स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब इस वैल्यू का ट्रांसपोज, इस वैल्यू का ट्रांसपोज बराबर है इसी वैल्यू के, लेकिन बाहर क्या है माइनस कॉमन है, बिल्कुल ये देखें डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है, यहाँ तक तो ये सॉल्यूशन में हमने डेफिनेशन को सेट करना है, उसके बाद जो है ना वो आपको वो बहुत आसान काम है, बाकी आप इजीली कर लेंगे। देखें अब यहाँ माइनस जो है ना वो मेंशन कर दें इजी साफ। देखें अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखें अब आप लेफ्ट साइड पहले सॉल्व कर लें राइट कर लें आपकी मर्जी है, मैं पहले क्या कर लेता हूँ, मैं इसे सीधा करके लिख लेता हूँ। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। देखें मुझे पहले तो ए भी चाहिए और ए का ट्रांसपोज, तो पहले ए क्या है मेरे पास 1 2 0 1। ठीक है, और ए का ट्रांसपोज भी चाहिए मुझे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो ए का मुझे ट्रांसपोज चाहिए, वो है रो थी, इस तरह रो होती है तो मैं इसे कॉलम में, इस तरह रो होती है इसे मैं कॉलम में, देखें 0 1। अब मुझे क्या करना है, ए को और ए के ट्रांसपोज को ऐड करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 0 1 और प्लस ए का ट्रांसपोज है 1 2 0 1, इस तरह। अब देखें आप इन्हें प्लस करने, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2, तो ये वैल्यू आ गई। अब आपने राइट साइड में क्या करना है, राइट साइड में आपने ये करना है कि ये वाली हम इसे मैंने सेट करके लिख लिया था। देखें अब इसका मैं क्या करूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज लेना है ऊपर,
ये तो हमने फाइंड कर लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड किया हुआ है, तो मैं यही वैल्यू लिख दूँ राइट साइड में पहले। तो अब बजाय इसके मैं शुरू से हल करूँ, हमने पहले फाइंड कर लिया है, तो इसलिए हम जो है ना अब इसका क्या कर लेते हैं, राइट साइड में ट्रांसपोज लेना है। तो देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैं होल ट्रांसपोज ले लेता हूँ। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, देखिए इस रो को मैं इस तरह कॉलम में लिख रहा हूँ, इस रो को इस तरह कॉलम में। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम कह देंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है आपके पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बाय डेफिनेशन के मुताबिक जो है हमने फार्मूला लगाया, और ये आपके पास फार्मूला था जो डेफिनेशन की, तो सिमेट्रिक हो गया। अगर आंसर सेम है तो सिमेट्रिक है, देखें ये वाला भी और ये सेम है, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, सेम यही बात। अब इसी तरह आपने जो इसका बी वाला है बी प्लस बी ट्रांसपोज, उधर जस्ट बी वाली वैल्यूज लिखनी है और सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। अब इधर देखें, इसमें आपके पास देखें वैल्यूज, अब लेफ्ट हैंड साइड हल करें राइट जैसे भी करें, आपने ये वैल्यूज जो है ना वो प्रूव करवानी है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूँ, देखें ए मेरे को मैट्रिक्स है 1 2 0 1, ठीक है। अब बी वाली क्या वैल्यू है, ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं पहले, रो को मैं कॉलम में इस तरह 0 1, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, दरमियान में माइनस है तो माइनस, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू है 1 2 0 1 और माइनस है बीच में, तो फिर है 1 0 2 1। उसके बाद जो है ना अब हम क्या करते हैं, देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 क्या होगा -2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, ठीक है। यहाँ तक अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज भी लेना है इसका, तो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैं ले लेता हूँ, देखिए 0 2 इधर आ जाएगा, ये रो थी इसे कॉलम में चेंज किया, अब -2 ये रो है इसे कॉलम में, ठीक है। यहाँ तक तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज मेरे पास गिवन है, मैं क्या आप दोबारा से सारी जो है वैल्यू स्टार्ट से लिखूँ, मैंने क्या किया मेरे पास फाइंड है, मैं वही वैल्यू जो है वो लिख लेता हूँ। देखिए अब 0 2 -2 और 0, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में आपको माइनस चाहिए बैक पे, अब मैं क्या करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो माइनस से मल्टीप्लाई, ये 0 ये -2 हो जाएगा, ये +2 और ये 0, ठीक है। अब देखें कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड, इसका आंसर है 0 -2 2 और 0। अब देखें राइट हैंड साइड जो है ना, ये आपके पास 0 -2 2 0, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपके पास ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे, आपने सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन को फुलफिल करना है, उसके बाद आपने आगे चलना है। इसी तरह अगर यहाँ बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपने लिख देना है बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर है माइनस और बी माइनस बी ट्रांसपोज। जैसे कि सपोज अगर बी सिमेट्रिक की बात होगी, तो आपने क्या लिखना है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी लिखेंगे ना, बी लिखेंगे। इसी तरह स्क्यू की बात होगी, तो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है माइनस बी। इसी तरह अगर सी का ट्रांसपोज होगा, तो सी सिमेट्रिक है तो सी का ट्रांसपोज सी, अगर सी स्क्यू है तो सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। अब देखें अब यहाँ एक बड़ी वैल्यूज आ गई थी, तो हमने क्या किया, उसी का ट्रांसपोज बराबर है उसी के और बाद पीछे माइनस, सिमेट्रिक में भी वही वैल्यूज है, उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू वही वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज जो है 1.3 वो कंप्लीट हो चुकी है।